बकरी पालन में सबसे बड़ा जरूरी है दोस्तों कि खाना बकरियां खाती हैं और जितना खाती हैं उसका 60-70% बर्बाद कर देती है। इससे बकरी पालकों को बहुत बड़ा समस्या आता है। खाने का सबसे बढ़िया तरीका देखिए, जिस तरीका से मैं दे रहा हूँ बढ़िया से खा रही है, देखिए गौर कीजिए, और बिल्कुल खाना एक भी बर्बाद नहीं होगा। जितना खाना होगा धीरे धीरे करके सारा खा जाएगी। कोशिश आप इस तरीका से करें। और सबसे बड़ी बात, ये छत तीसरा तल्ला पर बकरी पालन है। लोग का कहना है कि छत पर बकरी पालन असंभव है, नहीं हो सकता, लेकिन अगर अनिल सर का सही सच्चा ट्रेनिंग हो कहीं भी बकरी पालन कर सकता है। सबसे बड़ी बात नमी बचाएं। बकरियों का दुश्मन नमी है। आप इसमें कहीं से भी देख सकते हैं कोई नमी नहीं है। तो जब नमी नहीं है तो बकरी पालन हम कहीं भी कर सकते हैं। और एक समस्या कि घूमने टहलने से खाना पचता है, तो खाना में ही आप ऐसा दें कि उसको पाचन क्रिया करने में बहुत आसानी हो। देख लीजिए कहीं से कोई नमी आपको दिख रहा है, कोई नमी नहीं है। ये मैं लगभग 1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ। खिलाते समय बकरियों को कम करता हूँ ताकि खाने में मार धाड़ ना करे। इस तरीका से ट्रे में दें, इस तरीका से ट्रे में देखिए आराम से सब अपना अपना मूड़ी निकाल के खा रही है और कोई परेशानी नहीं है। गर्मी से बचने के लिए मैंने 200-200 वाट का बॉल इसमें लगाया है, हीटर भी लगाया है। ज़्यादा ठंडी पड़ने पर मैं हीटर का इस्तेमाल करता हूँ। और आप देखिए जिस तरीका से मैं खाना दिया हूँ, बिल्कुल बर्बादी नहीं है और ये अपना सर बाहर निकाल के खा रही है। इस तरीका से मैं अपना ये खाने के लिए इसको बनाया हूँ। ये अपना मेरा दिमाग का अपना सोच है। ये समय के अनुसार मैंने अब देखा और समझा है कि खाना सही से खाए और देने में परेशानी ना हो और खाना भी बर्बादी ना हो। और यूट्यूब के चक्कर में ना रहें, यूट्यूब पर बहुत सा ऑप्शन रहता है। वो लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाने से पहले 10 दिन तैयारी करते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। और कभी गौर कीजिएगा, उनका बकरियाँ खुदे सेहतमंद नहीं रहती है तो आप क्या उसको देख के सेहतमंद अपनी बकरियों को बना पाइएगा। इसलिए खुद अपना प्रैक्टिकल अनिल सर का ट्रेनिंग का सहारा लें। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेनिंग लेते समय पूरा फोकस होना चाहिए ट्रेनिंग पर। पूरा फोकस नहीं दीजिएगा, 10 दिन का ट्रेनिंग रहता है, उसके बाद आपको यही समस्या आती है। बहुत लोग झेल रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं हर बात गौर से सुनता हूँ और समझता हूँ। लोग अपना ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ट्रेनिंग में गौर नहीं करते हैं, समझते हैं कि बकरी पालने में साला कौन परेशानी है, ये तो लोग पाल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब करते हैं समस्याएं आती है तो उनको समझ में आता है। आप देख रहे हैं वो किस तरीका से खा रही है। एक लॉट और मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ, देखिए पूरा कवर करके रखना होता है। ये देखिए, आ जाओ आ जाओ, वही रहो, आ जाओ। इस तरीका से खाना देने पर कोई परेशानी नहीं है। बकरी पालन में सबसे बड़ी चीज है उसका रख रखाव। अगर आप सही से रख रखाव रखे हैं कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए कितने आराम से खा रही है, आप सबको देखिए बिल्कुल कहीं से कोई परेशानी नहीं, अपना अपना खा रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और मैं पहले ही बताया हूँ कहीं भी आप कर सकते हैं, नमी से बचाइए, कोई परेशानी नहीं। हल्का फुल्का भी है, सफाई हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए कि ब्लैक बंगाल है, लोग कहते हैं ब्लैक बंगाल को स्टॉल फूड पर रखना बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए नहीं है। आप देख सकते हैं आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ब्लैक बंगाल है, कितना मज़े से खा रही है, सूखा चारा है, हरी घास का दर्शन नहीं है। ऑलरेडी अभी सर्दी है तो इसमें हरी चारा तो वैसे मैं वैसे भी हरा चारा बहुत कम ही देता हूँ, ना के बराबर, लेकिन ठंडी में सर्दी में तो बिल्कुल सवाल ही नहीं होता। आप देख रहे हैं खाने में कोई तरह की दिक्कत नहीं, मज़े से खा रही है। ये बिजूनर है और देखिए कहीं से कोई परेशानी नहीं। इसमें मेरी 10 बकरियाँ बिल्कुल गाभिन है, अगले महीने से बच्चा देना शुरू कर देगी। और यही सक्सेस का पहचान है कि बकरियाँ आपके समय से प्रेग्नेंट हो, बच्चे दें और आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई तरह के समस्या हो मेरे भाई, बिल्कुल आप मेरे फ़ोन करें। जो मेरा इस पर, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ,
लेकिन अनिल सर का एक सच्चा ट्रेनिंग हूँ ये मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने मेहनत किया है, उनके हर बात को गौर से सुना है। आप लोग कितना सुने उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैंने बहुत गौर से सुना है। कोई भी समस्या हो एक बार कॉन्टेक्ट करें, जितना मेरा अनुभव अपना है मैं आपको बताऊँगा। सर्दी में बचा के रखें, मैं पहले ही बता दिया हूँ सभी में, मैंने देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कवर किया हुआ है और 200 वाट का बॉल लगा हुआ है, इससे इसको टेम्परेचर मिलते रहता है। समय पड़ने जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ने पर इसमें हीटर का भी व्यवस्था है जो मैं चलाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो दिक्कत नहीं होता। और छत पर तीसरा तल्ला पर है और आज तक मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ, बच्चे भी बहुत दिए, नीचे मेरे सारे किड्स हैं और 10 बकरियाँ बच्चा देने वाली हैं, तो सफलता इसके अलावा और किसको कहता है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपने हिसाब से सफल हूँ। आदमी अगर चाहे तो कहीं भी कर सकता है, और जो बिल्कुल सभी कर सकते हैं वो किए तो फिर क्या किए, जो नहीं लोग ज़्यादा कर पाए वो आप कर पाए, तब अनिल सर का आप ट्रेनिंग है, देख लिए। थैंक यू, कोई तरह की समस्या हो फ़ोन करें सर। थैंक यू सर।